रेमल जो साइक्लोन है, इसका अभी तक क्या अपडेट है और आगे का क्या प्रोग्राम है? रेमल साइक्लोन अभी कल लैंडफॉल होने का बाद नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और आज सुबह उसका जो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया साइक्लोन स्टॉर्म बन गया। अभी वो साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल है और उसको बाद IMD का जो प्रेडिक्शन है वो मुताबिक वो नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट उसका चालू था और 11:30 बजे भी अभी उसका स्थिति साइक्लोनिक स्टॉर्म ही है और उसका कुछ रिलेटिव पोजीशन ऐसा है आपका 11:30 बजे दैट 65 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मंगला से 65 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, कोलकाता से 100 किलोमीटर पूर्व में है, कैनिंग से 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है और खेपूपारा से 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है और ढाका से 150 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। यह परिस्थिति मतलब उसका यह है स्थिति लोकेशन स्ट्रेंथ इज रिड्यूस फ्रॉम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टू साइक्लोनिक स्टॉर्म और पोजीशन ऐसा है और डायरेक्शन प्रेडिक्शन उसका मूवमेंट का बारे में प्रेडिक्शन ऐसा है दैट इट विल मूव इन ए नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स डायरेक्शन और इंटेंसिटी प्रेडिक्शन ऐसा है जे इट विल ग्रेजुअली लूज इट्स एनर्जी, धीरे धीरे उसका जो ताकत है वो कम हो जाएगा और आज इवनिंग तक वो डीप डिप्रेशन बन जाएगा। हवा का तेज तो आज रहेगा, कल से कम रहेगा। विंड का देखिए जैसा बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में आज स्ट्रॉन्ग विंड का वार्निंग दिया है, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड का दिया है दैट इज 40-50 किलोमीटर पर आवर ऑल डिस्ट्रिक्ट में। तो डेफिनेटली कंपेयर टू कल आज उसका स्ट्रेंथ कम है और टुमारो आपका स्ट्रॉन्ग विंड का जो चेतावनी है वह आपका उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग कालिम्पोंग जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार और आपका कोचबिहार में 40-50 किलोमीटर पर आवर और आपका वेस्ट बंगाल कोस्ट में गेल विंड चालू था 11:30 बजे 80-90 गास्टिंग टू 100, दोपहर तक कम होने का संभावना है 60-70 आपका क्या नाम है गास्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर और स्क्वाली विंड का तो है 50-60-70 गास्टिंग आज इवनिंग तक सही रहे, धीरे धीरे कम होगा। आइसोलेटेड रेन के लिए अलर्ट नहीं होता है ना, फोरकास्ट है आपका 1 तारीख को बंगाल में साउथ बंगाल का हार्ड डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड रेनफॉल का आपका फोरकास्ट है। साउथ बंगाल इंटायर बोल दिया मतलब कलकत्ता इंक्लूडेड।